नमस्कार दोस्तों, एक तरह रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ रबड़ीदार मलाईदार खीर, जो हम 10 मिनट में बनाकर तैयार करेंगे। खीर को बनाने में 2 से 2.5 घंटे लगते हैं, पर आज मैं आपको बताऊंगी कि 10 मिनट में हम इंस्टेंट खीर कैसे बनाकर तैयार कर सकते हैं और एकदम मलाईदार और रबड़ीदार। तो चलिए फिर हम देख लेते हैं इस रबड़ीदार को खीर को हम कैसे बनाएंगे। खीर बनाने के लिए मैंने गैस पर एक कुकर रखा है, गैस को मैंने ऑन कर दिया है। इसके अंदर हम डाल देंगे 1.5 लीटर दूध और दूध को हम अच्छे से उबलने देंगे। जब दूध उबल जाएगा इसे चला देंगे एक बार। मैंने एकदम फुल क्रीम दूध लिया है खीर को बनाने के लिए। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे चावल, तो मैंने आधा कप चावल लिए हैं। मैंने 4 मुट्ठी चावल लिए हैं और खीर में जो यूज़ होते हैं चावल, मैंने वही लिए हैं जिनसे खीर बनती है। आप अपनी पसंद से कोई भी चावल ले सकते हैं। और चावलों को मैंने बहुत ही अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया है। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे 1 चम्मच देसी घी, इससे खीर के अंदर काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा। घी को हम दूध के अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसको अच्छा सा क्रीमी टेक्सचर देने के लिए इसके अंदर डालेंगे हम 3 चम्मच मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। 3 से 4 चम्मच आप मिल्क पाउडर डाल सकते हैं और इससे खीर जो है हमारी काफ़ी क्रीमी और टेस्टी बनेगी। फ्रेंड, अगर आपने इस तरह से खीर नहीं बनाई है ना, तो प्लीज़ एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। अब अच्छे से दूध उबल गया है, अब हम लगा देंगे कुकर के ढक्कन और इसके मीडियम फ्लेम पर 3 सीटी आने तक इसे पकाएंगे। ज़्यादा सीटी नहीं देनी है, ध्यान रहे दूध बाहर ना निकले, पर थोड़ा बहुत तो फ्रेंड निकलेगा दूध। देखिए 1 सीटी लग गई है, छोटी छोटी सी सीटी लगी है और ये दूसरी सीटी भी लग गई है और ये तीसरी भी लग गई है। और अब हम इसका प्रेशर जो है इसी के अंदर रहने देंगे, निकालेंगे नहीं। जब कुकर अच्छे से ठंडा हो जाएगा, प्रेशर निकल जाएगा, तो अब हम कुकर को चेक करेंगे। और आप देख सकते हैं चावल जो है बहुत ही अच्छे से पक गए हैं, पर हमें एक बार इसे चेक कर लेंगे। और आप इसके अंदर अगर चावल पके नहीं हैं तो आप इसके अंदर रई चला दें तो खीर जो है वो घुट जाएगी। थोड़े से काजू बादाम डाल देंगे, मैंने 3 चम्मच काजू 3 चम्मच कटे हुए बादाम लिए हैं। गैस को वापस से ऑन कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मैं आपको दिखाऊंगी फ्रेंड कितना क्रीमी बना है, क्योंकि हमें अभी इसके अंदर शुगर डालनी है। तो आप देख सकते हैं, और अब हम इसके अंदर आधा कप शुगर डाल देंगे। मीठा खीर के अंदर आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। आप देख सकते हैं चम्मच जो है पूरा रबड़ी की तरह हो गया है। और अब हम इसके अंदर इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। मैं इलायची एसेंस की 5-6 बूंदें डाल रही हूँ, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। इसकी जगह आप केसर भी डाल सकते हैं, इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। पर मैं बिना केसर के ही इसे बना रही हूँ। बस हमें 2 उबाल खीर के देने हैं, फिर हमारी खीर जो है तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं उबाल आ गया है खीर के, खीर हमारी पक गई है और कितनी गाढ़ी बनी है। गैस को हम बंद कर देंगे, खीर को हम परोस लेंगे। देखिए फ्रेंड, एकदम रबड़ी जैसी खीर आप 10 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। और मैंने इसे बादाम के कतरन से डेकोरेट किया है। बहुत ही अच्छी और टेस्टी खीर हमारी 10 मिनट में बनकर तैयार हो गई है। जब भी आपका मीठा खाने का मन हो या कोई गेस्ट आए, तो आप 10 मिनट में ये खीर को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड, एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये टेस्टी खीर कैसी बनी। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एकता रेसिपी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर दबाएँ मेरे आने वाली वीडियो को देखने के लिए। फिर मिलेंगे एक आसान सी रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।